व्हाट्सअप गाइस, फिर से मस्त मजेदार शांति दूत मोए मोए मीम्स लेके आए हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ जी की थग लाइफ भी होगी और शायद से सुधांशु त्रिवेदी सर की भी हो सकती है, अमित शाह की भी है, तो करेंगे एंजॉय। वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। कहां से देख रहे हो ये भी जरूर बताना। 1 2 3 गो। Hey, y'all, come look at this. हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बने। बात तो सही है। मीम्स वाले भी गजब। सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में आपके अपने सनातनी चैनल द रॉक बाबा। तो आज भी हमारे देश और धर्म से जुड़ी फनी और सीरियस क्लिप्स होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे काफी सारे फॉरेन मीडिया जो है वो आजकल आर्टिकल्स निकाल रहे हैं कि अगर मोदी को तीसरा टर्म मिल गया तो भारत जो है तानाशाही की तरफ जा रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग मूर्ख है। बहुत सही बोला। वो मोदी को समझते ही नहीं। बहुत सही बोला। बात तो सही है। मैं ये कहूंगा कि आप में काफी मासूमियत, मेहनत और एक मकसद भी है। क्या बोला तूने? मेहनत और एक मकसद भी है। प्यारी समझ गई। बिल्कुल वोट करेगी। और जहाँ तक की बात है सीएए जो लागू हुआ है ये बिल्कुल गलत है। इनकी वजह से काफी साल पहले, 2-4 साल पहले भी गरीब 2020 में जो दंगे हुए दंगे हुए कई जगह धरना प्रदर्शन किया गया। शाहीन बाग में जो है सो धरना प्रदर्शन हुआ। रुको जरा, सबर करो। आपको वैसे सीए का मतलब पता है क्या होता है? जी सीए सीए के बारे में सुने नहीं है? जी सुने नहीं है? नहीं, हम फुल फॉर्म बताए। फॉर्म ये है कि हम लोग जो जहाँ के नागरिकता है जहाँ से वहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है। अबे अनपढ़ नॉलेज देख लो। जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ। मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं नहीं, हाथ नीचे करो। ये बहुत वायरल हुआ वीडियो। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। हाँ सही बोला। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है। सही बोला। ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है देश का मुसलमान। सही पकड़े हैं। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वाले को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। बात तो सही। पॉइंट। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है। यूपीए सरकार का ऑफिशियल डाटा है। श्री प्रकाश जायसवाल ने एमओएस बोला था कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में दिल्ली में है। ये केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1,000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं आता बीच में कि उनकी स्टेट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। इसका मतलब सरकारी खजाने से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसा देने को तैयार है, 1,000-1,000 रुपए ली, और यहाँ कह रहे हैं कि साहब हमारा वो हमारा नौकरी खाली जाएगी। युवा है, महिलाएं हैं, इनकी हमारी सरकार मदद करेगी। एक को नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूँ। पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ, मदद करनी है तुम्हारी, खड़े हो जाओ, रोजगार दो। इसकी दादी ने भी जबरदस्ती पकड़ कर 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी थी। देखना युवाओं, कदे नौकरी के चक्कर में यो थारी भी नसबंदी करता है। आज भारत है पाकिस्तानी हिंदुओं को या अफगान से जो हिंदू आए थे या जो भी माइनॉरिटीज थी, कोई भी मजहब हो मुस्लिम के अलावा, आज उन्हें नेशनैलिटी देने का ऐलान किया, क्या कहेंगे इस पे?
इस पे हम ये कहेंगे कि बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है ना वो इन स्कोर है इधर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी उधर के भावलपुर की एग्जांपल देता है, अकलियत बरादरी के लिए कब्रिस्तान की एक एकड़ जगह मौजूद है लेकिन उनको नहीं दी जा रही। एक जिम्मेदार है बशीर अहमद मेस नाम का, वो काबज है उस पे, वो लोग नहीं दफना दे देते, वो मैयत उठा के गर्मी में कभी इधर कभी उधर जाते हैं हिंदू लोग। लेकिन हिंदुओं को तो जलाया जाता है तो बहावलपुर में दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। एक्चुअली 200 पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर अपने जो प्यारे जो मर जाते हैं उनको जलाते नहीं है क्योंकि लकड़ी इतनी महंगी है कि हिंदू अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो आप दफनाते हैं और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही। हाँ बोलो योगी जी में क्या कमी रही? डर है? डर जी में क्या कमी रही? किस चीज का डर? योगी जी में क्या कमी रही? योगी जी की क्या कमी रही? मैंने योगी जी का तो बोला ही नहीं, नहीं। जलवा है हमारा बोलेंगे है? पता क्यों? अगर योगी जी के लिए गलत बोला या गलत बताया ये जाएंगे तो ऐसे कौन सा रे योगी वोगी भैया बता रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा और आएंगे ऐसे मोए 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 नहीं लिख सकता है कोई हिंदू नहीं लिख सकता है। ओम का स्टिकर लगा है या नहीं लगा? अभी बदला था भाई बिल्कुल खाटू श्याम का लगा, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा कि मूर्ति बननी चाहिए। आप नहीं हटेगा, आप चालान कर दीजिए। कर देंगे बिल्कुल, आप कर दीजिए। आपका नाम क्या है? दिग्विजय सिंह जी, आप चालान कर दीजिए। ये नहीं हटेगा। देख रहे हो रंग ऐसा ही रंग होली में होगा। अब CA और NRC, अब आज हम मूड में हैं, हम इसको ऐसे पहन रहे हैं। होली का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत, जिनको बढ़िया लग रहा है वो जैसे ही राम लिखते हैं, जिनको नहीं बढ़िया लग रहा है उनको बवासीर हो रहे क्योंकि CA ये एक ऐसी चीज है कि देश की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मीठी बहुत है चॉकलेट। हेलो, नीम का पत्ता कड़वा है विपक्ष वालो, तुम्हारा रिश्तेदार तो साथियों कैसा लगा वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया? बढ़िया मीम्स थे एक से बढ़कर एक। और अमित शाह जी का बहुत सही है कि अगर आप चलते हो शरिया के हिसाब से, मतलब उन्होंने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चोरी चकारी में नहीं लगाएंगे वो वाला लॉ जो क्रिमिनल लॉ जिनके होते हैं कि मतलब ये कर देना या उस तरीके से या फिर वो, लेकिन वहां पर जहां अपना कंफर्ट जोन आता है तो उस हिसाब से चलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मजे भी लेने अपने तरीके से और अपने लॉ के भी मजे लेने अपने तरीके से, ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। और फिर यहां पर इसके बाद क्या होता है, फिर ये लोग किस तरीके से एटीट्यूड दिखाते हैं कि जो पहले धरना दिया था प्रोटेस्ट दोबारा करेंगे, अरे भैया तुम कर लो ठीक है, लेकिन एक चीज बता दो तुम्हें जब वो चीज लॉ ही नहीं पता और आधे ज्यादा लोग 500 रुपए के बाहर वो पकड़ के आ जाते हैं, वो ऐसे नहीं आते पैकेज में आते, देख 7 दिन का एडवांस दे रहे हैं, 7 दिन के लिए बैठना होगा, उसके आगे होगा तो अगले 5 दिन का और दे देंगे, चल पढ़ते हैं इनसे CA की फुल फॉर्म पूछ लो, कुछ पूछ लो, इनको 2 रुपए का नहीं पता होता लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होता है कि भैया हम फर्स्ट, हम चलेंगे तुम्हारे साथ प्रोटेस्ट में, और इतनी शिद्दत से प्रोटेस्ट में बैठते हैं। मुझे सबसे फनी वो लगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ पकड़ के नौकरी, हाँ भाई इधर आओ मदद करनी है, नौकरी करो भैया का जो भी चल रहा है। और एक चीज और सुधांशु त्रिवेदी सर की भाई बहुत सही बात थी वो कि दिल्ली में कितने रोहिंग्याज हैं, बहुत। और मेजर गौरव सर की वीडियो में भी हमने देखा था कि बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स कितने सारे हैं वहां पर, कैब में हो गए उसमें ऑटो रिक्शा में ये सब चलाते हैं वहां पर, उसके ऊपर कोई नहीं जाता ना पता करता है ना कुछ बोलता है, ठीक है। और यहाँ पर CA आ रहा है जिसकी वजह से नागरिकता मिलेगी हिंदुओं को जो सताए गए हैं दूसरी कंट्रीज में, लेकिन इनको यह है कि मुस्लिमों को भी दो, अरे भैया जो मुस्लिम राष्ट्र हमसे अलग होके ही बने हैं उनको भी ले आते हैं, थोड़ा सेंस वाली बात करो। और कई लोग तो कह रहे हमारी नागरिकता चली जाएगी, अरे ओ ओ, ओ अच्छा, मतलब तुम यार उनसे छीन लोगे भाई, मुझे पता है क्या डर वो ही रहा है जो इलीगली तारों के इधर उधर, NRC भी आएगी ना अभी, तो ये NRC भी आएगी, तो ये मम्मा बॉय है जो थोड़े बौखलाए हुए हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बताना, मिलते हैं कभी एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।